द्रौपदी मुर्मू। आज हमें गर्व है कि वैसे राष्ट्रपति से हमारा सामना हुआ है, हम ऐसे राष्ट्रपति को पा चुके हैं जिनसे हमें बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें। तो यदि बात करें उनके अवस्था की, तो ऐसे घर में जन्म लिए होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ दाई के द्वारा डिलीवरी कराई गई होगी, आसपास पूरी तरह से मिट्टी के घर होंगे, ना वहां पर मेडिसिन होगी ना कुछ होगी। और जब उनका अवस्था बढ़ा होगा, उनके खाने पीने के लिए हो सकता है कि दूध नहीं मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के अलावा। और इसी प्रकार से जब बड़ी हुई होगी तो प्राइमरी स्कूल ही मिले होंगे, जहाँ पर खपड़े के ऊपर छत होंगे, मिट्टी के दीवालें होगी और अनेक प्रकार के ऐसे ही, जैसे कि कुआं में कुआं से पानी पीती होगी, बाथरूम का शौचालय का तो नामो निशान ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से गुजरे हुए, तो आज उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे करके जब अवस्था बढ़ती गई, उनका नॉलेज बढ़ता गया, समझदारी बढ़ती गई और उन्होंने अपने तरीके से काम करना प्रारंभ रखा होगा, और इसी प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हुए और उन्होंने आज यहाँ तक रायसीना हिल तक का सफ़र किया है, यानी कि एक छोटे से झोपड़ी से होकर अपने राज्य के बहुत सारे जो विधानसभा होते हैं उस रास्ते से गुजरते हुए आज वे आ गए हैं राष्ट्रपति भवन तक। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें एक गरीबी से बढ़ के अपने आप को किस तरह से निखारते हुए आगे बढ़ने की जो चेष्टा होती है वो करना चाहिए, और आज वही किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और हमें इस बात से खुशी है कि जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, तो हमें उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से वे अपने देश के भविष्य को अभी से बेहतर बनाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से जो गरीबी से जो जूझते हैं, जिन्हें गरीबी से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए एक ज्ञान साबित होगा और वैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में कार्य करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अभी खैर हम भी तो संघर्ष कर ही रहे हैं। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।